नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी बजरंग नगर में है, मछलीसार लोकसभा क्षेत्र में। यहां पर हम लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानेंगे कि क्या माहौल है इस बार, क्या माहौल दिखाई दे रहा है जी बताइए। माहौल तो बहुत अच्छा है। सांसद जी, 5 साल में कितना काम किया? बहुत काम हुआ है। आजादी के बाद इतना काम किसी सांसद ने नहीं किया। और बताइए क्या क्या माहौल इस बार समझ में आ रहा है? 5 साल के कामकाज के आधार पर इस बार जो है बीजेपी कहाँ पर है? बीजेपी इस समय अपने एकदम क्लाइमेक्स पर है। कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। हर जगह बीजेपी है, हर तरफ बीजेपी है, हर वर्ग में बीजेपी। चलिए और लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानेंगे क्या माहौल है इस बार, क्या माहौल है इस बार। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल है। क्या इस बार जो है बीजेपी आसानी से क्लियर कर ले जाएगी? एकदम आसानी से यहाँ तो क्लियर हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन नाम है मेरा, चंदन पाठक। क्या नाम लिया, क्या किस तरह का माहौल दिख रहा है यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है बीजेपी का। मेरा नाम सुभाष चंद जायसवाल है। जायसवाल समाज के वोटर्स क्लियर जा रहे हैं इस बार, सब बीजेपी में है। चलिए हम लोग उस बातचीत कर उनकी राय जानेंगे क्या माहौल है आपको घूमने सरकार बनी है इस बार? क्या माहौल दिया इस बार? बहुत अच्छा माहौल दिया। क्या नाम है आपका? इस बार जो है कितना जो है यहाँ से बजरंग नगर समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी कितना लीड कर पाएगी यहाँ से? पूरे विधानसभा में हम लोगों के ब्लॉक में बहुत अच्छा लीड करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि बीजेपी के कामकाज को देखते हुए लोग जो है पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं सांसद डीपी सरोज को, जिसके चलते जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लोग यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए।